नमस्कार, मैं हूं मोनिका जायसवाल और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। सीएम मनोहर लाल की अध्यक्षता में विधायक दल की बैठक हुई। इस बैठक में बीजेपी जेजेपी विधायकों समेत हरियाणा प्रभारी भी शामिल हुए। विनोद तावड़े, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़, जेजेपी प्रदेश अध्यक्ष निशांत सिंह समेत कैबिनेट मंत्री भी मौजूद रहे। बैठक के बाद सीएम मनोहर लाल ने कहा कि कोरोना के चलते विधायकों से मिलना नहीं हुआ था, इसलिए आज विधायकों से मिलना और बातचीत हुई। सीएम ने जानकारी देते हुए बताया कि सरकारी योजनाओं को लेकर विधायकों के साथ बातचीत हुई और जन सहायक पोर्टल की भी जानकारी विधायकों को दी गई। तो बैठक में कई मुद्दों पर बातचीत की गई, सरकारी योजनाओं को लेकर भी बातचीत हुई। इसी के साथ जन सहायक पोर्टल के बारे में भी विधायकों को जानकारी दी गई। कोविड का जो काल गया पिछला, ये दूसरी वेव का, खास करके विधानसभा का जो बजट सत्र था उसके बाद विधायकों से हमारा सामूहिक रूप से मिलना हुआ नहीं था जी सर। और ऑनलाइन तो हम बीच बीच में कुछ बैठकें करते रहे, लेकिन प्रत्यक्ष अब चूंकि उनकी जो विधानसभा की बैठकें हैं वो भी शुरू हो गई हैं, सब विधायक आने शुरू हुए हैं, तो इसलिए हमने बहुत समय के बाद, लगभग 3 महीने के बाद आज विधायकों से मिलना हुआ है। संयुक्त विधायक दल की हमारी बैठक थी और इसमें कुछ सरकारी कामकाज की बातें उनको बताई गई हैं, खास करके दो पोर्टल जी सर, एक जन सहायक पोर्टल है और एक ग्राम दर्शन पोर्टल है। इन दो पोर्टल्स की उनको सारी जानकारी दी गई है, कुछ और फुटकर विषय जिसकी सूचनाएं उनको दी गई हैं। साथ में हमारे भारतीय जनता पार्टी के हरियाणा प्रदेश के जो राजनीतिक मामलों के प्रभारी श्री विनोद तावड़े जी, दोनों पार्टियों का हमारे अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश जी धनखड़, श्री निशान सिंह जी, वो भी हमारे बीच में थे। तो सब लोग एक प्रकार से मिलने जुलने का जो कार्यक्रम हमारा मासिक कार्यक्रम ऐसे होता है, लेकिन इस बार हम 3 महीने बाद मिले, तो इसलिए एक अच्छी बैठक की हमारी संपन्न। जन सहायक जो पोर्टल है उसका उद्देश्य यह है कि जितने भी सरकारी योजनाएं सेवाएं हरियाणा सरकार की हैं, डिपार्टमेंट्स सब हैं, तो उनके अपने जितने भी पोर्टल्स और उनकी वेबसाइट्स हैं, उन सब के जो पते हैं, एड्रेसेस हैं, या किसी व्यक्ति को अपनी आवश्यकता के हिसाब से ऑनलाइन कोई चीज़ अप्लाई करनी है, उसका एक सरल तरीके से एक पोर्टल बनाया गया है, ताकि उस एक ही पोर्टल के माध्यम से और हम सारी योजनाओं का, जनता के लिए खास करके है, अपनी योजनाओं का लाभ वो ले सकें। तो एक प्रकार सा एक प्रवेश द्वार हरियाणा सरकार ऐसा करके, और ऑनलाइन जो सिस्टम होता है उस पर हमने उसको बनाया है। भारतीय किसान यूनियन के एक प्रतिनिधि मंडल ने सीएम से मुलाकात की और कृषि कानूनों के समर्थन में मुख्यमंत्री को सम्मानित किया। किसान प्रतिनिधि मंडल ने कहा कि कृषि कानून किसानों की आर्थिक आजादी की पहल है और दंगा फसाद और तोड़फोड़ राजनीतिक एजेंडे हैं और किसानों का धरना बेहद गलत है। इसके अलावा किसानों के प्रतिनिधि मंडल ने गेहूं की फसल का भुगतान सीधे किसानों के खाते में करने और मेरा पानी मेरी विरासत जैसी योजना शुरू करने के लिए सीएम का धन्यवाद दिया। हाँ, एक किसानों का एक प्रतिनिधिमंडल, भारतीय किसान यूनियन जो गुणी प्रकाश हाँ की जो यूनियन है, तो भारतीय किसान यूनियन मुख्यमंत्री से मिले और साथ ही मुख्यमंत्री की तमाम योजनाओं के लिए उन्होंने धन्यवाद दिया। माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी को आज सम्मानित करके आप बाहर आए हैं, उसका मेन कारण ये है कि हम बीजेपी के कोई वर्कर नहीं है, ना हम बीजेपी की स्तुति करने के लिए आए, लेकिन जो भारतीय किसान यूनियन की पिछले काफी सालों से मांग थी कि हमारे को खुला बाजार नीति लागू करी जाए, किसानों को डायरेक्ट पेमेंट दी जाए और जो वादा बाजार है उसको भी कृषि को व्यापार का दर्जा दिया जाए, ये बात माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रयासों से और प्रधानमंत्री जी ने हमारी मान ली। हमने पहले ही दिन इन मुद्दों का समर्थन किया था और उसी के उपलक्ष्य में हम यहाँ आए थे। आप देखो, ये बात कोई ये नहीं है, हम इसमें तर्क देगा, मैं आपको बताना चाहता हूँ ये क्यों अच्छे हैं 3 कानून। मान ले मैंने अपनी भैंस बेचनी और उसका एक ही ग्राहक है,
तो वाजिब है कि वो अपनी मर्जी से खरीदेगा। अगर उसके चार ग्राहक होएंगे तो उसका वाजिब है कि ज्यादा रेट मिलेगा। हम सामाजिक तौर पे भी अपनी किसान बरादरी में भी किसानों को जागरूक करेंगे और कानून का सहारा लेना पड़ेगा, कानून का सहारा भी लेंगे। हमारा जो मेन मोटिव है वो है किसानों का उत्थान करना, ये नहीं है कि राजनीति करना, क्योंकि वो लोग हैं, उनका इतिहास आप देखो। मेरे कहने से ये बात नहीं है, गुरनाम सिंह चढ़ूनी शाहबाद जो अनाज मंडी है उसका रजिस्टर्ड आड़ती है। गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने तीन चुनाव लड़ लिए, जबकि भारतीय किसान यूनियन का जो संविधान है उसमें पहली कंडीशन ही ये है कि वो चुनाव नहीं लड़ सकते। हमने जो कृषि कानून जो बनाए गए हैं वो कृषि कानून किसानों के पूरी तरह हित में है। उसमें जो ये काला सफेद जो कह रहे हैं उसमें किसानों के खिलाफ कोई भी एक भी बात नहीं है। किसान को मंडी मिलेगी, बाजार मिलेगा, मंडी के साथ साथ किसान को ऑप्शन होगी कि वो किसी भी बाजार में जाके बेच सके। किसान जो भंडारण की समस्या है, किसान व्यापार तभी चलेगा जब भंडारण की आजादी है, क्योंकि उसमें जो जरूरी वस्तु अधिनियम में जो संशोधन किया कि व्यापार के लिए भंडारण करे, अगर भंडारण नहीं होगा तो आज जैसे सरसों है, आज सरसों की जो MSP है वो 9600 रुपये है, लेकिन वो 8000 तक पहुँच गया है। अगर भंडारण की इजाजत होगी तो कारोबार चलेगा। तीसरा है जरूरी, ये जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग तो आड़ती के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है। जब किसान आड़ती के साथ समझौता हुआ, आड़ती अपनी मंडी और एक दुकान के अलावा कहीं नहीं बेच सकता। और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में जो सरकार से, ये तो आज 8 साल से पहले ही कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग थी, अब ये कह रहे हैं कि काला सफेद कुछ नहीं है। ये तीन कृषि कानून किसान को आर्थिक आजादी की पहल है, ये उसके लिए ये विरोध कर रहे हैं। दूसरा जो हरियाणा के अंदर है, अब ये जो संयुक्त किसान मोर्चा रहे कह रहे हैं कि अयोगित इमरजेंसी लागू होगी। अगर इमरजेंसी होती तो ये मुख्यमंत्री के प्रोग्राम में कौन आवाज कर सकता। मीटिंग के बाद सीएम मनोहर लाल ने भी किसान प्रतिनिधिमंडल से बातचीत को लेकर जानकारी दी। सीएम ने कहा कि किसानों के प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की और आभार प्रकट किया और इसके साथ ही प्रतिनिधिमंडल बहुत खुश हुआ है। हाँ, एक किसानों का एक प्रतिनिधिमंडल भारतीय किसान यूनियन जो गुणी प्रकाश हाँ की जो यूनियन है वो लोग आए थे, 40-45 लोग। उन्होंने करके आभार भी प्रकट किया, धन्यवाद भी किया। जितने किसानों के हमने काम किए हैं उनसे सबसे प्रसन्न थे, और विशेष तौर पर ये जो तीन बिलों की जिनकी तीन कानून की जो बात हो रही है वो एकदम उससे सहमत थे कि ये कानून एकदम सही है, ठीक है। एक एक का लाभ उन लोगों ने हमको गिनवाया कि किसके क्या क्या लाभ हो सकते हैं, तो उन लोगों ने बल्कि मुझे निमंत्रण भी दिया है अपने क्षेत्र में आने के लिए। तो सर, मैं मुट्ठी भर जो लोग हैं आंदोलन को जो समर्थन दे रहे हैं उनकी को बहुत बड़ी संख्या नहीं है। आम किसान जो है उनको इन कानूनों से कहीं कोई विरोध नहीं है, सब अपने सहज गति से उन्होंने अपनाया हुआ है, सबको पूरे लाभ किसानों के मिल रहे हैं, पेमेंट डायरेक्ट मिल रही है, किसान कहीं भी कोई चीज बेचने के लिए स्वतंत्र रहता है, इसको पसंद कर रहे हैं, इसलिए अधिकांश किसान तो इसको पसंद कर रहे हैं। लेकिन कुछ मुट्ठी भर लोग हैं जिनको अपना कोई ना कोई एजेंडा उनका है जिसके कारण से उसका विरोध कर रहे हैं। ये प्रत्यक्ष किसानों के उस आंदोलनकारी लोगों का जो विरोध है वो बहुत जगह से उस पर उठने लगे और निश्चित रूप से जल्दी से। हरियाणा सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी का एक विशाल प्रतिनिधिमंडल भी सीएम से मिला। जत्थेदार बलजीत सिंह दादूवाल जी के नेतृत्व में मुख्यमंत्री मनोहर लाल से ये प्रतिनिधिमंडल मिला। इस प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री से अपील की कि केंद्र सरकार और किसान प्रतिनिधियों के बीच जो बातचीत की कड़ी टूट गई है उसे शुरू करवाने के लिए हरियाणा सरकार पहल करे। इसके साथ ही अमर बलिदान गुरु श्री तेग बहादुर जी की याद में निर्मित चांदी का सिक्का भी स्मृति चिन्ह के तौर पर मुख्यमंत्री को सिख संतों ने भेंट किया। प्रदेश के GDP मनोज यादव ने केंद्र सरकार में बतौर अतिरिक्त निर्देशक इंटेलिजेंस ब्यूरो में लौटने के लिए कहा है। उन्होंने हरियाणा गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजीव अरोड़ा को पत्र लिखकर केंद्र में लौटने की अनुमति मांगी। गृह सचिव को पत्र लिखने के बाद DGP मनोज यादव ने ट्वीट भी किया। उन्होंने लिखा कि पिछले 28 महीने से मैंने हरियाणा के नागरिकों की सेवा में DGP के रूप में क्षमता के अनुसार अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया है।
अब आईबी वापस बुला रहा है। मैं करियर और पारिवारिक आवश्यकताओं के कारण केंद्र सरकार में वापस जाना चाहता हूं। डीजीपी मनोज यादव की इच्छा को लेकर भी सीएम ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि अपनी इच्छा से जाना चाहेंगे तो विचार करेंगे, फिर एक पैनल अगले डीजीपी के लिए तैयार होगा और पूरी प्रोसेस अपनाई जाएगी। उन्होंने अपनी इच्छा जताई है, उन्होंने एक पत्र लिखा है, इस बात ठीक है और मैं समझता हूँ कि अगर उन्होंने पत्र लिखा है और अपनी इच्छा जताई है तो निश्चित रूप से अपनी योजना से भी जाना चाहेंगे तो हम उस पर विचार करेंगे और विचार करके अगर उनके जाने का फाइनल होता है तो फिर हम उसकी अगली जो कार्रवाई है वो शुरू करेंगे। एक पैनल जो अगले डीजी को तय करने के लिए दिया जाता है पैनल भेजा जाएगा, यूपीएससी उस पैनल में से हमको वापस 3 नाम भेजेंगे और फिर नए डीजीपी की नियुक्ति होगी। एक सामान्य प्रोसेस जो रहती है उसको हम करेंगे। चंडीगढ़ स्थित बीजेपी कार्यालय में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पत्रकारों को संबोधित करते हुए ओपी धनखड़ ने कहा कि योगा दिवस पर 1800 स्थानों पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने योग किया। इसके अलावा उन्होंने बताया कि योग दिवस पर मेगा ड्राइव का भी आयोजन किया गया जिसमें उन्होंने भी हिस्सा लिया। ओपी धनखड़ ने बताया कि उन्होंने पार्टी कॉडर से भी आग्रह किया है कि कार्यकर्ता घर घर जाकर लोगों को टीकाकरण के बारे में पूछे, इसके लिए बीजेपी ने छोटी टोली बनाई है। कल 23 जून श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान दिवस भी है। और 6 जुलाई को उनकी जन्म जयंती है। इस बीच में हमने श्यामा प्रसाद मुखर्जी की समृद्धि में 1 लाख पौधे हरियाणा में लगाने का निर्णय किया है। हरियाणा में लगभग 20,000 बूथ हैं, हर बूथ पर 5 वृक्षों का रोपण जो है, 5 वृक्ष जो है वो 23 जून से 6 जुलाई के बीच में लगाएंगे। 24 तारीख को इस नई रचना के बाद हमारी पहली प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक है। कोरोना की स्थिति को देखते हुए बैठक इस स्वरूप में हो रही है, एक्चुअल एवं वर्चुअल दोनों का मिश्रण एक तरह से इसमें होगा। 6 स्थानों पर सभी माननीय सदस्य एक्चुअली उपस्थित होंगे और वर्चुअली जुड़े हुए होंगे। मैं स्वयं मुख्यमंत्री जी, प्रभारी जी, सह प्रभारी जी, हम सब चंडीगढ़ में, संगठन मंत्री जी चंडीगढ़ में उपस्थित रहेंगे। कोरोना की चुनौती आई, जो प्रबंधन हुए और जो संगठन ने सेवा का काम किया, इस पर एक रेजुलेशन पास किया जाएगा और राज्य के पॉलिटिकल जो सिचुएशन है, हालात हैं, उस पर भी एक चर्चा होगी। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने एक बार फिर से केंद्र सरकार को कोरोना पर आग्रह किया है। राहुल गांधी ने कोरोना मसले को लेकर केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। राहुल गांधी की तरफ से कोरोना पर श्वेत पत्र जारी किया गया और साथ ही तीसरी लहर को लेकर सरकार को कई सलाह दी। उन्होंने कहा कि वैज्ञानिकों ने कोरोना की दूसरी लहर को लेकर चेताया था लेकिन सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया था। राहुल गांधी बोले कि पूरा देश जानता है कि तीसरी लहर आने वाली है लेकिन हम फिर से वही गलती कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बेड्स, ऑक्सीजन और अन्य चीजों की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, नहीं तो तीसरी लहर आने से पहले हमें नुकसान हो सकता है। देश को जो दर्द पहुंचा, लाखों लोगों की मृत्यु हुई, कोरोना ने क्या किया पूरा देश जानता है। हमने ये व्हाइट पेपर थोड़ा डिटेल में तैयार किया है और इस व्हाइट पेपर के 2-3 लक्ष्य हैं। इसका लक्ष्य फिंगर पॉइंटिंग नहीं है, इसका लक्ष्य ये नहीं है कि सरकार ने ये गलत किया। हम गलती को इसलिए पॉइंट आउट कर रहे हैं क्योंकि हम जानते हैं कि आने वाले समय में इन गलतियों को करेक्ट करना होगा, ठीक करना होगा।
दो तीन चीजें हैं, पूरा देश जानता है कि सेकंड वेव से पहले हमारे साइंटिस्ट्स ने, डॉक्टर्स ने सेकंड वेव की बात की थी और उस समय जो एक्शन सरकार को लेने थे, जो उनका बिहेवियर होना चाहिए था वो नहीं रहा। और आपको, पूरे देश को सेकंड वेव का असर सहना पड़ा। आज हम फिर से वहीं खड़े हैं। पूरा देश जानता है कि थर्ड वेव आने जा रही है, वायरस म्यूटेट कर रहा है और थर्ड वेव आएगी। और इसीलिए हम एक बार फिर कह रहे हैं कि सरकार को थर्ड वेव के लिए पूरी तैयारी करनी चाहिए। जो रिक्वायरमेंट्स हैं, हॉस्पिटल बेड्स की रिक्वायरमेंट्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट्स है, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, दवाइयों की रिक्वायरमेंट है, जो सेकंड वेव में नहीं की गई थी, उनको थर्ड वेव के लिए बिल्कुल करना चाहिए। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। राजस्थान की सीमा से लगते हरियाणा के भिवानी जिले में लोग पानी की एक बूंद के लिए तरस रहे हैं। पिछले 30 से 35 साल में उमरावत गांव में पीने के पानी की विकराल समस्या से लोग परेशान हैं। आलम यह है कि गांव में पीने के पानी के लिए 500 रुपए प्रति टैंकर के हिसाब से रोजाना 7 से 8 टैंकर मंगवाने पड़ते हैं, जिससे ग्रामीणों की प्यास बुझती है। उमरावत गांव की पानी की समस्या की खबर इंडिया न्यूज ने प्रमुखता से दिखाई तो जिला उपायुक्त जयवीर आर्य ने भी मामले में संज्ञान लिया। डीसी ने कहा कि उमरावत गांव की तरह और कई ऐसे गांव हैं जहां पानी की गंभीर समस्या बनी हुई है। ये गांव टेल पर स्थित है, इसलिए यहां तक पानी नहीं पहुंच पाता, लेकिन अब जिला उपायुक्त ने पब्लिक हेल्थ, नहरी और सिंचाई विभाग के आला अधिकारियों को गांव में पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। चिलचिलाती इस गर्मी में अधिकारी सो रहे हैं और जनता रो रही है। जी हाँ, कुछ ऐसा ही आलम है रेवाड़ी में, जहाँ पीने के पानी की समस्या से लोग दो चार हो रहे हैं। पीने के पानी की समस्या से त्रस्त लोगों ने जिला सचिवालय पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम पानी की समस्या को लेकर ज्ञापन दिया। ग्रामीणों का कहना है कि सिंचाई विभाग के मुताबिक 18 जून तक नहर में पानी आना था, लेकिन अब तक पानी नहीं आया। आपको बता दें कि भीषण गर्मी के इस तपते महीने में प्रदेश में भूजल स्तर काफी नीचे चला गया है, जिससे प्रदेश के 14 जिले रेड जोन में पहुंच चुके हैं। चिलचिलाती इस गर्मी के महीने में रेवाड़ी जिले में लोगों ने 2 दिन में महज आधे घंटे के लिए ही पीने के पानी की सप्लाई होती है। पीने के पानी के इस गंभीर संकट से लोग अब जीवन यापन करने को मजबूर है। वहीं इस मामले में एसडीएम से सवाल किया गया तो एसडीएम भी कोई ठोस जवाब नहीं दे पाए। एसडीएम ने कहा कि पिछले काफी दिनों से नहर में पानी नहीं आया और ये बात उनके संज्ञान में है। अधिकारी लगातार प्रयासरत हैं जिससे लोगों को समय से पानी मिल सके और साफ पानी उपलब्ध कराया जा सके। सबसे बड़ी दिक्कत है खास तौर पर शहर के अंदर, जो पेयजल की सप्लाई है वो ना के बराबर है। ऑफिशियली वो कहते हैं एक दिन रुक कर एक दिन पानी दिया जाएगा, परंतु दो दो दिन तक नल नहीं आते, और जो भी नल आते हैं वो मैक्सिमम 15 से 20 मिनट आते हैं। और शहर के अंदर बहुत सारे मोहल्लों और वार्ड्स में खारा पानी है, कड़वा पानी है, यहाँ तक कि कपड़े तक भी साफ नहीं होते, बर्तन साफ नहीं होते, पीने की बात तो दूर। आज ये खाली मटका महिलाओं के हाथ में है, ये इस बात का प्रतीक है कि मटके पानी से खाली है। जो सरकार पेयजल की सुविधा उपलब्ध नहीं करवा पा रही है, बड़ी बड़ी बातें करते हैं विकास की,
जो न्यूनतम मौलिक मूलभूत जो जरूरत है पेयजल पानी पीने के लिए चाहिए एक नागरिक को, वो भी आज रेवाड़ी में उपलब्ध नहीं है। हमेशा इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों को जानने के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज हरियाणा।